नया दिन, नया साल और साल का पहला सोमवार। तो साल के पहले दिन ही जाएंगे हम महादेव, देवों के देव महादेव, वीरभद्र मंदिर में। वीरभद्र मंदिर में। और आप तो सभी आप को सभी हमारी को तरफ से नए हार्दिक साल की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। होप करता हूँ कि ये साल बहुत अच्छे से निकले तुम्हारा, बहुत बढ़िया। अभी पहला दिन है, ठीक है, तो अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, तो एक हफ्ता अच्छे से गुजारना इस साल का, थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा अच्छा, थोड़ा नया स्किल्स के साथ, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई, नमस्कार। बाकी भाई बन तो न्यू ईयर की बहुत पार्टी में दूर है व्यस्त हो बाकी गए भाई थे। बहन, दिल के तो हमेशा पास है, पास हैं पर दूसरे शहर में है। दूसरे शहर में हैं हम। उनको भी हमारी तरफ से बहुत हैप्पी बहुत न्यू ईयर, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे दो जने और आएंगे, हमारे दोस्त यार, नहीं आएंगे तो वहीं मिल लेंगे उनसे। तो चलते हैं मंदिर में। सो गाइस, और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हम, निकल रहे हैं हम शाइन के साथ। हाँ हाँ मैं भोलेनाथ का देख रहा दर्शन हूँ। करेंगे थोड़ा, आपको भी करवाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं वहीं। भाई कुछ बताना चाहोगे इस जगह के बारे में? यहीं के रह बसी हो आप तो। ये बैराज है डैम, जहाँ पे डिवाइडर होता है। एक तो आपका पावर हाउस के लिए जाता है चीला, जहाँ बिजली उत्पादन होता है, और एक टिकट निकल जाता है हरिद्वार। वीडियो नहीं होती? अच्छा, और तो मना कर दिया गया मना कर हमारे दिया शहर गया हमारे इस शहर में। अभी तो मना कर रहे हैं वीडियो निकालने के लिए। ये भाई है हमारे पहले साल का पहला व्लॉग, वो भी नए साल की नई शुरुआत मंडे, और हमारे अच्छे दिन महादेव के के साथ दिन हो रही है। अच्छे दिन के साथ हो रही है। हम कह रहे हैं कि कुछ ये अच्छा काम देखिए पहले दिन किया जाए, भाई, इसलिए इसलिए हम महादेव के दर्शन महादेव करने के दर्शन पहुंचे करने हैं। पहुँच चुके हैं। महादेव की कृपा रही तो तो सब सब कुछ होगा, होगा। प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे, ये महादेव मंदिर। और जूतों का डर है क्योंकि हमने पहन रहे हैं एक्सपेंसिव शूज, कहीं ये ना हो कि भाई मेरे तो 4,500 के वही तो भले किसने दिए हैं ये, भले है ये 4,500 वही तो, कहीं ये ना हो अंदर गए और महादेव के लिए चढ़ावा लेंगे, चढ़ावा। और ये हमारा वीरभद्र मंदिर बहुत प्यारा है। बेलपत्र चढ़ाते हैं ना शिव जी को, सबसे बढ़िया रहता है भाई, सबसे बढ़िया रहता है बेलपत्र चढ़ाना शिव भगवान को। ये देखो भाई, बहुत प्यारी लाइन लगा रखी है, बहुत प्यारी। ये भाई पीछे खड़े हैं लाइन में, बिल्कुल धैर्य सपने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर से बाप रे, आंटी से थोड़ा गप्पे सप्पे कैब नहीं खड़ा हुआ है यहाँ। कब से खड़े हो आप? अभी मतलब हम ना VIP दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ अंदर एक दोस्त है पंडित हमारा, है ना, अंदर दोस्त है ना, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर दर्शक VIP हो जाएंगे तो दर्शन दर्शन नहीं रहेंगे। ये देखो आंटी जी, आंटी जी बोल रहे हैं कि जो कभी नहीं आते वो भी आ सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर है, बड़ी मुश्किल से हम एक लाइन पार की हमने ये पीछे वाली पूरी, ठीक है। और एक और है आगे, और ये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अभी भाई को ड्यूटी भी जाना है, क्या करें, पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल भी रहना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्या करें। अभी जाना ड्यूटी? हाँ ना, कोई बात नहीं, दर्शन लेंगे अभी कोई बात। ओहो, तो इंतजार की घड़ी हो रही है खत्म, पहुंच चुके हैं। अभी हम लाइन पे लगे हैं आधा घंटा, पहुंच चुके हैं मेन द्वार पे। जय हो नाग देवता, हमारे नाग देवता कुल देवता हैं, ठीक है। और इस बार तो मुझे बहुत याद आई नाग देवता का, बहुत ही। और यहाँ दर्शन हो गए हमें सो दर्शन हो चुके हैं हमारे विकास भाई के भी। क्या मांगा विकास भाई आप भोलेनाथ से पहले दिन? मैंने तो बस ये कहा, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सृष्टि का कल्याण करे, और जो पाप करे उसे उसे मोक्ष प्रदान करे, क्षमा करे उसे इस धरती से, इस पापी धरती से।
सृष्टि का कल्याण होना चाहिए, वही भगवान भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। और मैंने मांगा भाई कि देखो बताते नहीं है बल्कि नहीं, पर वो तो ऐसी है, होना होगा जो होगा, देना होगा भगवान ने जो देना ही है। मैंने मांगा भाई कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ मुझे बस उतना ही देना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, बस कुछ नहीं करता डिज़र्व तो कुछ मत देना। तो गाइस फर्स्ट मील ऑफ द डे, अभी हम नए साल के हैं, जिन्होंने मेरा चैलेंज नहीं देखा तो देख लो भाई, बहुत मज़ा आया मुझे चैलेंज करने में, सोच भी नहीं सकते तुम। और मज़े की बात यह है कि जो स्टार्टिंग के दस दिन थे ना उनमें मैं अकेला था, अंजलि नहीं थी, तो मेरे को खाना बनाना पड़ा, दिन का खाना खुद, सुबह का खाना खुद, सफाई तुझे पता मैं रखता ही पूरा, सफाई भी खुद, पोछा वोचा, फिर वीडियो एडिटिंग, फिर स्क्रिप्टिंग, फिर और 10 दिन के बाद थैंकफुल रॉबिन भाई जिन्होंने मेरी थोड़ी बहुत मदद करी स्क्रिप्टिंग में, उनको भी थैंक जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि भाई बढ़िया कर रहा है, वो तो मुझे पता था बढ़िया कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, वैसे मैं बोलता नहीं भाई किसी का, पर आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ हम बदलने लगे, संभलने लगे, नहीं बदलेंगे हम किसी और को भी नहीं बदल सकते वही। और सबसे पहले चेंजेस जो आने चाहिए आपके खुद, तुम ना आना चाहिए सोशल मीडिया पर फेक हो सकते हो तुम, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, चैलेंज करना ऐसे कोई कोई फेक भी चैलेंज करते हैं, पर तुम जब तक खुद के साथ लॉयल नहीं हो भाई, नो मतलब किसी के साथ नहीं रह सकते तुम लॉयल, तो खुद के साथ लॉयल रहो। मैंने सब चीज़ करा, रिपोर्ट पढ़ी, वीडियोस देखी, 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो देखता था मैं, फिर भी मैं एक वीडियो बोलता था, रिपोर्ट पढ़ता था मैं, कि जैसे रिपोर्ट होती है बहुत 200-300 पेजों की, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा 3 पेज पर बड़ा बड़ा पढ़ लेता था, बस हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ी पर हाँ इतना थोड़ा बहुत, बुक भी डेली फिर से करेंगे अब कुछ। तो फ्रेंड्स हमने तो खा ही लिया, अब हम अपनी गैया माँ को भी दे देंगे, आ जा रुक जा, ना ना पन्नी नहीं भाई, हमने इसलिए यहाँ पे भी रोक सकते थे इसलिए रोका भाई, यहाँ पे बछड़ा भी है ना इसके साथ, तो थोड़ा बहुत मतलब खाएगी तो तभी तो बछड़े को दूध देगी, चिद्दर वाला एक हवा, और इस हवा की बात ही कुछ और है बहुत भाई, क्या बताऊँ तुम्हें भाई, देहरादून में कहीं भी रह लूँ मैं कहीं भी, चिद्दर वाला की बात ही अलग है यार, 19 से रह रहे हैं यहाँ, 18-19 से, तो होगी कुछ खास बात भाई जान हमारे, अरहर महादेव ये देखो भाई हमारे साथ, मरने वाला था ये, ऐसी मर जाऊँगा क्या मैं, ये मरने वाला था, लोगों की दुआएं है भाई, हैप्पी न्यू ईयर भाई, व्लॉग बन रहा है क्या, व्लॉग बन रहा है भाई, टोंटी बढ़िया थी तुम्हारे व्लॉग में, अरे यार देखा गाइस इसने देख भी लिया, ध्यान है हम पे नहीं है, हम पे नहीं है यार, व्लॉग पे यार कोई नहीं होगा तो किसको होगा जी। हाँ दोस्तों अब चलते हैं प्याल के यहाँ, यार बीच में ही कॉल कर देता है गाइस ये, क्या हाल है ब्रो, मिलो भाई मिलो, कपड़े हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, क्या हाल है ब्रो, हाल तो भी आज अंकित का व्लॉग चल रहा है कुछ कहेगा तो, अंकित का व्लॉग है, यस ब्रो, ये कितने चैनल एक डिलीट करता है कितने बनाता है ये, ले बना, अरे माँ की बोल रहा कॉलेज के बारे में, मैं बोल रहा यार हमारे तो जैसे पेपर वेपर होते रहते पर ये सुन रहा होगा ये हमारी बातें, भाई बैग तो नहीं आ रही भाई, कॉलेज की लाइफ कैसे जा रही है पता नहीं यार, बहुत मस्त बताना यार उन्हें, ला रही ना हिमालयन की तो बहुत अच्छी जा रही भाई, उनियाल के कॉलेज बहुत वो है भाई, हिमालयन किसका बे, हिमालयन हॉस्पिटल में था ना मैं, अच्छा। यहाँ पे हमने देखा कि भंडारा लगा हुआ, तो खाने का तो टाइम नहीं है लेकिन हम प्रसाद जरूर देने गए थे, जय श्री राम, जय बजरंगबली महावीर, और अंकित भाई हमारे लिए प्रसाद लेके आए, प्रसाद लेके आए मंडे का, भंडारा लगा है गाइस, ये देखो ये वो है ना मूंग दाल का लो है ना, मूंग दाल, तो प्रसाद खाने के बाद हमने डिसाइड किया है हम भोजन भी ग्रहण करेंगे यहाँ पे,
थोड़ा थोड़ा खाएंगे, है ना भाई? दिन बहुत अच्छा जा रहा है तो हमने कहा और अच्छा बनाया, और अच्छा बनाया जाए। साल का पहला दिन बहुत अच्छा होना चाहिए आपके लिए, इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पर। बहुत सौभाग्य से मिलता है ये, किसी को नसीब होता है। सौभाग्य से मिला हमें हमारा धर्म, जो कि इतना भोग भाग करवाते हैं हम भाई। मैं तो मेरे को तो आनंद आ गया, कहते ना मन की मुराद पूरी हो गई। आनंद आ गया भाई आज तो, बहुत ही ज़्यादा आनंद। हैप्पी न्यू ईयर। पूरी पूरी भैया, एक पूरी डाल। सो पहुंच गए हम विकास भाई के रूम पे, ठीक है। विकास भाई हो रहे हैं रेडी फॉर ड्यूटी, ठीक है। गाइस हम अब जा रहे हैं मजदूरी पे, और मेरे को अभी पापा का कॉल आया, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। और हैप्पी न्यू ईयर पापा को, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, विश किया है, विश किया है। और भाई एक काम भी दिया है, घर जाना, घर जाना और कलर करवा देना कि घर पे। तो इस साल थोड़ा कलर भी करवा देंगे भाई। तो ज़्यादा ना बोलते हुए ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे हम, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्ट्रगलिंग। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय।